उसको भी प्रभु का आशीष है। अभी ये प्रभु अंतर्यामी है, अंतर्यामी प्रभु है। वो अंतर्यामी प्रभु को एकदम हृदय में प्यार के साथ अपनाते हुए ये भजन को आप दोहराते हुए थोड़ा प्रार्थना कीजिए, उसके बाद मैं एक प्रवचन देगा कृपा के बारे में, ईश्वरीय कृपा क्या होता है। लेकिन ये कृपा हम लोगों को मिल चुका है। आइए हम एक गीत गाएंगे, पावन आत्मा अंतर्यामी बरसा दो अपनी कृपा। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अपनी कृपा, अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा। खड़े होकर पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा। पावन आत्मा अंतर्यामी, 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 बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा। पर
अपनी कृपा अपनी कृपा बैठिए बैठिए। प्यारे भाइयों बहनों, ये एक शब्द कृपा हमारे जीवन पर, हमारे प्रार्थना में बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, बहुत बार। ऐसी रोसरी माला प्रार्थना करते वक्त कुमारी मरियम का रोसरी बिंदी करते वक्त प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, लेकिन कृपा क्या है? और मिसा बलिदान पर हमें प्रार्थना करता है ईसा मसीह का कृपा, परमपिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ हो, ईसा मसीह का कृपा। तो क्या होता है कृपा? कृपा का सचमुच में अर्थ क्या है? ये कृपा को इंग्लिश में बोलता है, अंग्रेजी में ग्रेस बोलता है, ग्रेस। ग्रेस मतलब ग्रैटिस, मतलब मोफत में देता है, फ्री। आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, मोफत में देता है, उसके लिए बोलता है ग्रैटिस, मतलब ग्रेस। तो कृपा का मतलब वही है जो ईश्वर हमारे लिए मोहफत में देता है, लेकिन वो देने वाला क्या है, उसके अंदर क्या है? तो कोई बोलेगा कि वो तो वरदान है। वरदान होगा तो भी, एक दान मिलेगा तो भी, वो दान क्या होता है? ये अगर आप जान जाएगा तो हमारे सब प्रार्थना का, प्रार्थना में, हमारे प्रार्थना में एक एकदम दिलचस्पी से और अनुभव के साथ प्रार्थना कर सकेगी। ये किताब हमारा कलेसिया का धर्म ग्रंथ है, कलेसिया का धर्म ग्रंथ, इसमें लिखा है ये सब का क्या अर्थ है। तो मैं उसमें से निकाल कर मैं पढ़ाता हूँ आपको। 1997, जो लोग नोट करता है, खास करके जो कैंडिडेट लोग, आप लिखिए 1997। इसको मुझे नहीं मालूम कैसे हिंदी में बोलना है। 1997 है, कोई कोई ऊंचे आवाज से बोलिए। हाँ, 1997 है ना, 1997 करेक्ट, 1997। थैंक यू। 1997 ये नंबर याद रखो, एक बहुत बड़ा एक ज्ञान अभी आपको मिलने वाला है। यही लिखा है, ग्रेस इज पार्टिसिपेशन इन द लाइफ ऑफ गॉड। कृपा ईश्वरीय जीवन में, ईश्वरीय जीवन का सहभागिता है। यानी कि देखो, आपका राइट हैंड ऊपर उठाए, राइट हैंड मतलब दाहिने हाथ, दाहिने हाथ है ना, दाहिने हाथ ईश्वरीय जीवन है और बाएं हाथ हमारा इंसान का जीवन है, समझ गया ना? देखो, ये दोनों हाथ ऐसा पकड़िए, बाएं हाथ हम इंसान, दाहिने हाथ ईश्वरीय, और ईश्वरीय जीवन हमारा इंसानियत जीवन पर मिलन होता है, इसको कृपा बोलता है। कृपा क्या है? ईश्वरीय जीवन हमारा बाएं हाथ है ना, और इंसान का जीवन हमारा जीवन जो दाहिने हाथ। आइए ऐसा कीजिए, सब लोग ऐसा कीजिए, ये दोनों हाथ उड़ाकर, ईश्वरीय जीवन ऊपर से आता है,
ऊपर से ईश्वरीय जीवन हमारा इंसान का जीवन पर मिलन होते इंसान को ईश्वरीय पवित्र बनाता है। हल्लेलुया, इसको कृपा बोलता है। अभी हम लोग गीत गाया अंदर्यामी बरसाद अपनी कृपा, मतलब कृपा मतलब ईश्वरीय जीवन। और एक बार कीजिए, ईश्वरीय जीवन इंसान का जीवन पर मिलन होते हुए इंसान को ईश्वर बनाता है। ये हमारा कोई कर्म का वजह से नहीं, ईश्वर का मोफत में ईश्वर ने अपना प्रेम से, ईश्वर ने अपने पवित्र आत्मा द्वारा किया है। खुश हो गया? यही है सुसमाचार। सुसमाचार मतलब गुड न्यूज। गुड न्यूज यही है कि ईश्वर इंसान बन गया, मतलब ईश्वर हम सबों का शरीर उन्होंने ले लिया, शरीर धारण किया। तो उनको शरीर धारण मतलब वही है, हमारे शरीर उन्होंने ग्रहण किया, मतलब ईश्वरीय जीवन इंसान को दे दिया ताकि इंसान ईश्वर बने। अभी उसको एक दूसरा तरीका से मैं दिखाता हूं, दूसरा तरीका से देखो। ये लाल मोमबत्ती प्रभु ईसा मसीह है। ये कौन है? ईसा मसीह। ईसा मसीह ने कहा मैं संसार का ज्योति हूं। क्या बोला? मैं संसार का ज्योति हूं। तो हमारे कैथोलिक लोग ही मोमबत्ती जलाता है, दूसरा कोई लोग मोमबत्ती नहीं जलाता है ना, क्योंकि मोमबत्ती सबसे पहले ईसा मसीह का चिन्ह है। और जो लोग बाप्तिस्मा ग्रहण किया है, जो लोग बाप्तिस्मा ग्रहण किया है उन लोगों को खास करके मालूम है, बाप्तिस्मा के समय प्रभु ने अभी प्रभु ने क्या किया, नहीं तो बाप्तिस्मा के समय पर पुरोहित ने क्या किया, जो मोमबत्ती गिरजा में है उसमें से एक दूसरा मोमबत्ती जलाकर बाप्तिस्मा लिया हुआ बेटा का हाथ में लिया दिया। पहले कि मेरा बाप्तिस्मा हो रहा है, तब ने पुरोहित ने क्या किया, देखो मेरा नाम थॉमस है, थॉमस तुम संसार का ज्योति है, आपका नाम ले लिए, आपका नाम ले लो। और याद रखो, आपको उस वक्त छोटी था तो आप अभी याद रखो कि उस वक्त ईश्वर ने आपको ये मोमबत्ती पकड़ा कर बोला तुम्हारा नाम ले लो, तुम जो भी नाम है तुम ईश्वर का ज्योति है। अभी देखो ये दोनों मोमबत्ती में कोई फर्क है क्या? इसमें जो रोशनी में कोई फर्क है क्या? समझ में आया? तो ईश्वर क्या दिया, उनका जीवन हमारे जीवन पर मिला दिया। क्या ये विश्वास है क्या? उन्होंने उनका पूरा जीवन दे दिया क्या? उन्होंने उसका पूरा आशीष दे दिया क्या? देखो पूरा मिला क्या? ये जो सफेद मोमबत्ती को क्या मिला? पूर्ण रूप से ज्योति मिला है। यही हमारा विश्वास है, ताकि हर एक इंसान को प्रभु यह देना चाहता है वही कृपा है। एक कृपा है, ईश्वरीय जीवन को उन्होंने इंसान को देना चाहता है, दे दिया हुआ है। ये हमेशा ये याद रखो। मोमबत्ती आप लोगों को याद है, आप रोज घर में प्रार्थना करते वक्त मोमबत्ती जलाते हो, नहीं तो कोई भी
दीप जलाते वक्त समझो ये प्रभु ही है, उसका अर्थ अच्छा लगा। आप कौन हैं? आप ऐसा मोमबत्ती हैं प्रभु के जैसा हैं? लेकिन एक बात है इसमें, देखो मेरा हाथ में हाथ जल रहा है, क्यों जल रहा है? ये मोमबत्ती जलने से, मोमबत्ती जलता है तो वो क्या बोलता है, मेल्ट होता है, वो फाइल आ जाता है, उसको क्या बोलता है, मेल्टिंग, मेल्टिंग के लिए हिंदी में क्या बोलता है, पिघलता है। देखो ये बात होना चाहिए, ये समझ सोचता कि नहीं 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 मैं पिघलना नहीं चाहिए तो ये ज्योति नहीं बनेगा। ईसाई मतलब प्रभु ईसा मसीह, ईसा मसीह ने क्या किया, उन्होंने जीवन देने के लिए अपना जीवन को अर्पण किया, अर्पण किया। अभी मेरा जीवन एक मोमबत्ती जैसा है, मैं मेरा पत्नी के लिए मोमबत्ती बनना चाहिए, है ना, मेरा पत्नी के लिए ज्योति बनना चाहिए, तो क्या होगा, मैं पिघलना होगा, मैं बच्चों के लिए पिघलना होगा, मैं समाज के लिए पिघलना होगा, कलीसिया के लिए पिघलना होगा। देखो मैं अभी दूर से आया, मैं जर्मनी से आया आपके लिए, किसके लिए आया, पिघलने के लिए। मैं इस इतना दिन यहाँ पर खड़े खड़े होकर मैं मोमबत्ती बना ताकि आप सबों को कुछ ज्योति मिल सके। तो हमारे क्या, हमारे धर्म, हमारे आंतरिक व्यक्तित्व का यही मतलब है, हम एक मोमबत्ती बनना है। क्या बनना है, एक मोमबत्ती बनना है। लेकिन वो मोमबत्ती ईश्वर का उस रोशनी से जलाना चाहिए, ईश्वर की कृपा से। अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा। अभी मैं इसको बंद करता हूं। ये एक एक ऐसा रहस्य है, हमारे साधारण मन को उतना ग्रहण नहीं कर सकता, इसीलिए हमें ईश्वर का वचन से और हमारे कलीसिया का सिगावत से सीखना चाहिए। अभी आज मिसा बलिदान पर जो प्रार्थना में ऐसा एक प्रार्थना किया है, देखो ये पवित्र वरम प्रसाद का स्थापना प्रार्थना का पहले ऐसा एक प्रार्थना था, पर तेरे तेरा बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया, वह विशेष नहीं नहीं ओ नहीं अच्छा दूसरा पढ़ाएगा। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मनुष्य स्वभाव अपनाया। देखो हम लोग क्रिसमस बोलता है ना, क्रिसमस, क्रिसमस मतलब, क्रिसमस मतलब हम देखते हैं कि ईश्वर एकदम छोटा नन्हे बुने एक बच्चा हो गया, बन गया ना, ईश्वर क्या बन गया, इंसान बन गया। लेकिन उसमें गहराई में सोचना चाहिए, ईश्वर का वो शरीर कहां से मिला, ईश्वर उसका पहले ही था लेकिन शरीर नहीं था। पुत्र परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पहले ही था, वो पुत्र ईश्वर का वचन था, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आदि में शब्द था,
मत्ती का सुसमाचार नहीं, योहन का सुसमाचार पहला पाठ ये है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वरी था। सब लोग मेरे पीछे दबराइए, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। देखिए अभी उसके बाद का वचन देखिए, खास करके सुनिए, वह वह आदि में ईश्वर के साथ था। कौन है ये वह? शब्द, शब्द को वह कहता है। तब कौन है वो शब्द? पुत्र, पुत्र ईसा मसीह। तो ईसा मसीह पहले था संसार का, शुरू में सब कुछ उसके द्वारा बना गया, सब कुछ। वो ईसा मसीह शब्द से सब कुछ बनाया, शब्द। ये देखो, ये हमारा हिंदी बाइबल में इतना अच्छा है, ये जो ट्रांसलेशन ये इतना अच्छा है, दूसरा कोई भाषा में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में लिखा है वचन, वचन मतलब जो लिखा हुआ चीज को बोलता है वचन, है ना, वचन जो लिखता है। लेकिन शुरू में प्रभु हमको लिख के नहीं दिया, प्रभु कैसे दिया? शब्द, प्रकाश हो जाओ, प्रकाश हो गया। कैसे हो गया? शब्द। तो ईश्वर का क्या था पहले? शब्द था। देखो मुझे, मैं ये हिंदी बाइबल पढ़ने के बाद सबसे पहले मुझे ये बात बहुत अच्छा लगा कि ईश्वर शब्द है, इसलिए वजन को शब्द बनाना चाहिए। तो मैंने कैसेट बनाकर सुनना चालू किया कि ईश्वरीय शब्द मेरा कान से अंदर आकर मेरा हृदय पर बहना चाहिए, तब मेरा विश्वास बढ़ेगा। सचमुच ऐसा किया, तब मेरा मुझे विश्वास। तो यहां पर रोमियो के नाम पत्र में ऐसा लिखा है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। रोमियो का नाम पत्र अध्याय 10:17, रोमियो अध्याय 10:17 में लिखा है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। इतना सुंदर है वो हिंदी में, हिंदी में हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धार्मिक बनता। 10:17 ईश्वर। इस प्रकार हम देखते हैं कि सब लोग दोहराइए, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और एक बार, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुनना जाता है वह मसीह का वचन है। क्या कोई कुछ सुनने से नहीं होता है? क्या सुनना चाहिए? प्रभु ईसा मसीह का वचन। इसलिए ये बिंदु उपवास में हम बहुत घंटा घंटा ईश्वर का वचन का घोषणा होता है, क्योंकि वो सुनने से हमारे हृदय पर ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय ज्योति, ईश्वरीय ज्ञान और सबसे बड़ा विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास, क्योंकि ईश्वर शब्द है, आदि में शब्द था, और समय का पूर्तिकरण पर शब्द शरीर धारण किया। कुंवारी मरियम के गर्भ में एक बच्चा हुआ, कुंवारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा का कार्य के द्वारा शरीर धारण होकर
मनुष्य बन गया, वही है कृपा। कृपा मतलब ईश्वरीय जीवन हमारे इंसान का जीवन पर मिलन हो गया। तो सचमुच में ये मुझे मालूम नहीं आप पे विश्वास करेगा कि नहीं, कोशिश करो। प्रभु ईसा मसीह सिर्फ ईसाइयों का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। जब प्रभु ईसा मसीह शरीर धारण करके आया तब कोई ईसाई नहीं था। ईसाई था क्या? नहीं था। जब प्रभु ईसा मसीह सूली पर जीवन चढ़ाया तब कोई ईसाई धर्म नहीं था। ईसाई धर्म कब हुआ? प्रभु का मरण पुनरुत्थान के बाद, प्रभु स्वर्गारोहण करते के बाद पवित्र आत्मा को बरसाया, तब जो लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हुआ उनका जीवन एक अलग हो गया, एक अलग अनुभव हो गया, उनका पापमय अवस्था सब दूर हो गया और पवित्र जीवन बिताने चालू किया। उसका जीवन का संचालन पवित्र आत्मा से द्वारा हुआ, उनका जीवन कृपा से भरा हुआ जीवन हो गया। तो बाकी लोग बोला, अरे वो लोग है ना, वो लोग ईसाई है, वो लोग क्रिश्चियन है। तब ईसाई धर्म हुआ। तब जब प्रभु यीशु आया तो कोई ईसाई नहीं था। तो प्रभु यीशु किसके लिए आया, बोलिए, प्रभु यीशु किसके लिए आया? समस्त संसार के लिए आया है, समस्त संसार के लिए। सब लोग उनका भाई बहन समझता है। प्रभु ने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु को भेजा, उन्होंने हमारा शरीर अपनाया ताकि वो हमारा भाई बहन, वो हमें भाई बहन समझाया, वो प्रभु हमारा भाई है। प्रभु क्या बन गया? हर इंसान का भाई बन गया। अभी कोई बोलता है कि मेरे पास आके भाई थॉमस, मुझे ब्रदर बोलता है ना, भाई मेरा लड़का का नौकरी चाहिए, आप थोड़ा रेकमेंड करेगा? हाँ जरूर करेगा। अच्छा अभी क्या करना चाहिए? मैं बोलेगा देखो हमें दूसरा एक भाई है, मुझे भी बड़ा एक भाई है। कौन है वो भाई? उसके पास रिकमेंडेशन के लिए मांगो। कोई है हमारा दूसरा भाई? कौन है? प्रभु ईसा मसीह है। ईसा मसीह तुम्हारा भाई है? अरे वो कैसे तुम्हारा भाई बना? वो ही कृपा, ईश्वरीय जीवन हमारा जीवन पर बहाया तो हम सब ईश्वर का पुत्र पुत्रिया बन गया। अगर हम सब लोग ईश्वर का पुत्र पुत्री बन गया तो ईसा मसीह जब प्रभु का एकलौते पुत्र हमारा कौन बना? कौन बना? हमारा भाई बना। तो हमें ऐसे एक भाई है, वो स्वयं ईश्वर है, वो भगवान है। देखो एक गीत है, प्यार यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। कहिए, प्यार यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। प्यार यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। कम ऑन सब लोग, बुला के प्यार से दिल में बसा ले, 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 दिल में बसा ले। प्यार यीशु को के प्यार से, प्यार सॉरी प्यार यीशु को पास बुला ले,
मन के पाप मैल धो के चुटा ले, प्यारे यीशु को पास बुला ले, मन के पाप मैल धो के चुटा ले, प्रेम भक्ति फूलों से दिल को सजा ले, प्रेम भक्ति फूलों से दिल को सजा ले, प्रेम भक्ति फूलों से दिल को सजा ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले, कम ऑन, प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले, 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 दिल में बसा ले। अभी अभी गाने वाला बहुत अच्छा है, संभाल लो। सबके मालिक यीशु भगवान, बोलिए, सबके मालिक यीशु भगवान, लाओ सब लोग ऊंची आवाज से, सबके मालिक यीशु भगवान, उसको धन्यवाद जो दिल का मेहमान, उसको धन्यवाद जो दिल का मेहमान, सबके मालिक यीशु भगवान, सबके मालिक यीशु भगवान, उसको धन्यवाद जो दिल का मेहमान, उसको दिल का मेहमान, धड़क लगन मस्त मगन नाम समर ले, धड़क लगन मस्त मगन नाम समर ले, कम ऑन, धड़क लगन, इसका मतलब क्या है? धड़क लगन, धड़क लगन मतलब धरती का ज्योति, धड़क लगन मस्त मगन, धड़क लगन मस्त मगन नाम समर ले, धड़क लगन मस्त मगन नाम समर ले, बुला के प्यार से दिल में, बुला के प्यार से दिल में बसा ले, प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से, सब लोग बुला के प्यार, दिल में बसा ले, 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 सुको बुला के, पाप जाल से हमको बचा ले, पाप जाल से हमको बचा ले, कम ऑन, पाप जाल से हमको बचा ले, स्वर्ग राज का मार्ग बता दे, स्वर्ग राज का मार्ग बता दे, पाप जाल से हमको बचा ले, पाप जाल से हमको बचा ले, स्वर्ग राज का मार्ग बता दे, सदा ही उसे चुन के अपना दोस्त बना ले, सदा ही उसे चुन के अपना दोस्त बना ले, कम ऑन, सदा ही उसे चुन के अपना दोस्त बना ले, से तो हम लोग दूसरा गाएंगे, सदा ही उसे चुन के अपना भाई बना ले, है ना, वो कौन है, सिर्फ दोस्त नहीं हमारा, हमारा भाई है, सदा ही उसे चुन के अपना भाई बना ले, सदा ही उसे चुन के अपना भाई बना ले, सब लोग ऊंची आवाज से, सदा ही उसे चुन के अपना भाई बना ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले, बुला के प्यार से। अच्छा, अभी ये कृपा मतलब इस ईश्वरीयता, ईश्वर हम सोचता है कि जो स्वर्ग में है, नहीं तो इस आसमान का ऊपर,
ये क्या हमारा फोन है क्या? नहीं नहीं स्वर्ग मतलब कोई लोग सोचता है कि ये आसमान का ऊपर का वो एक जगह है, ऐसा नहीं है। स्वर्ग मतलब जहां पर ईश्वर है, जहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा है वहां पर स्वर्ग है। वो हमसे दूर नहीं, वो हमारे नजदीक है। तो ईश्वर मुझे एक याद आ रहा है, एक सिस्टर जी जो हमारे मदर तेरेसा सिस्टर जी मुझसे कहा, अमेरिका में था मैं, उधर में एक बिंदी उपवास लेने के लिए गया तो सिस्टर जी ने कहा, देखो ब्रदर जी मैं आज बाजार गया तो एक औरत को, एक बहन जी को मैं प्रभु के बारे में कहने के लिए आगे बढ़ा। तो वो बहन जी बोला, देखो देखो मुझे मत बोलो, सब धर्म ईश्वर के पास ले जाता है, तुम्हारा सिर्फ ईसाई धर्म नहीं। तब ये मदर तेरेसा का सिस्टर बोला, नहीं नहीं बहन जी ऐसा मत बोलना, देखो हमारा ईसा मसीह आपको ईश्वर के पास नहीं लेके गया, बल्कि वो स्वयं आपके पास आ गया। वो ईश्वर आपको लेके नहीं गया, वो ईश्वर इंसान बनकर आपके पास आया। ईश्वर मनुष्य के पास आया, हाँ वही सुसमाचार है, दैट इज द गुड न्यूज। अच्छा अच्छा वो तो जरा बताइए कैसे हुआ। देखा यही बात है, हमें मत सोचो कि ईश्वर इस आसमान का ऊपर स्वर्ग है। आसमान का ऊपर एक जगह है, लेकिन ईश्वर ऐसा जगह पर बैठ नहीं सकता। ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर कौन है? सर्वव्यापी है, अनंत है ईश्वर, लेकिन उसको हमारे हृदय पर बैठ सकता, हमारे आत्मा में बैठ सकता, वही एक ही एक जगह ईश्वर बैठ सकता हमारी आत्मा में, क्योंकि हमारे आत्मा को ईश्वर ऐसे बनाया कि ईश्वर को निवास करने के लिए, इंसान को ईश्वर ऐसे बनाया कि ईश्वर का जैसा बनाया कि उनको एक संबंध होने के लिए, उनके निवास करने के लिए। अभी जैसा कि हाथी को बनाया, वो हाथी एक व्यक्ति है क्या? बहुत बड़ा हाथी है, हो बहुत अच्छा है, लेकिन वो हाथी एक व्यक्ति है क्या? एक घोड़ा एक व्यक्ति है क्या? एक कुत्ता एक व्यक्ति है क्या? नहीं, एक बहुत सुंदर कोई भी पक्षी एक व्यक्ति है क्या? सोचो सूरज एक व्यक्ति है क्या? नहीं। तो ये सब को सृष्टि करने के बाद प्रभु ने कहा, अभी मुझे एक अनोखी सृष्टि को बनाना है, वो मेरा जैसा, मेरा जैसा, ताकि मुझे एक साथ उनको संबंध हो सकता, जैसा कि पति पत्नी के साथ संबंध होता है ऐसा संबंध होना चाहिए। इसीलिए मानव को, मनुष्य को मैं मेरा जैसा बनाएगा कि मैं उसके साथ निवास कर सकता। देखो इसीलिए हमारे जीवन को इतना मूल्य है, हमारा जीवन का मूल्य इसीलिए है कि ईश्वर उनके बराबर हमें बनाया ताकि उनको मेरा अंदर निवास कर सकता। इसीलिए हम हमेशा ये कहता कि ईश्वर हमारे साथ है। देखो ईश्वर हमारे साथ है, इसीलिए प्रभु ईसा मसीह मनुष्य बना, ईश्वर को, ईश्वर इंसान के साथ रहने के लिए। तो 2000 साल का पहले ऐसा नहीं था अवस्था। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस
इस काल इस क्या बोलेगा इन दिस एरा इस वक्त पर जी रहा है कि ख्रिस्त का समय पर। अभी आज का दिन को क्या बोलता है, आज का दिन क्या है, पांच मई 2024 कहां से आया, ख्रिस्त का जन्म से पूरे पृथ्वी को दो भाग कर दिया, ख्रिस्त का पहले और ख्रिस्त के साथ। मतलब ख्रिस्त जब शरीर धारण करके आया तो पूरा पृथ्वी को अलग कर दिया, उसका पहले का समय हो गया, उसके बाद एक दूसरा समय चालू हुआ। वो समय का अर्थ क्या है, वो समय पर सब मानव ख्रिस्त के साथ रहने वाला समय है, ख्रिस्त के साथ सब मानव। मैं अभी इतना ही बोलता है, सिर्फ मानव नहीं, सब सृष्टि प्रभु के साथ है, सब सृष्टि। अभी हम सोचो कि बलि चढ़ाता है तो हम चढ़ाता है रोटी और दाखरस। ये रोटी कहाँ से आया, रोटी मनुष्य का प्रयत्न और पृथ्वी का मूल्य है, और ये रोटी को ईश्वर ने बनाया, सृष्टि किया, और वो जो एक मटेरियल है, मटेरियल मतलब वो एक वस्तु है, लेकिन वो क्या बनने वाला है अभी, क्या बनने वाला है अभी, ईश्वर का शरीर और रक्त बनने वाला है। देखो तो प्रभु ने सिर्फ मनुष्य को नहीं, समस्त सृष्टि को उनके जीवन के साथ मिलाया हुआ बनाया है, समस्त सृष्टि को। देखो हमारे बगीचा में जो फूल है, क्या वो फूल के जैसा हम सुंदर हो सकता, क्या वो फूल का सुगंध हम बना सकता क्या। तो ईश्वर का सृष्टि का मनोहारिता देखो, ईश्वर का सृष्टि हम, ईश्वर का वो सृष्टि को देखने से उसका सौंदर्य और उसका ज्ञान मालूम पड़ेगा। ईश्वर ने जो सृष्टि किया, जो कुछ भी उन्होंने सृष्टि किया है, वो सब में उनका उपस्थिति है, लेकिन इंसान में उसका एक अनेक, उसका एक, इसको एक बहुत मूल्य उपस्थिति है कि ताकि उसमें वो स्वयं निवास कर सकता। तो हम जानना चाहिए कि ये समस्त सृष्टि ईश्वर को स्तुतिगान करता है, ईश्वर को स्तुतिगान करता है। इसलिए हम बिंदी हम हमारे ये स्तोत्र गीत गाते हैं, हमारा स्तोत्र ग्रंथ का स्तोत्र ग्रंथ से हम गाते हैं, समस्त सृष्टि आपको स्तुतिगान करते हैं, क्योंकि समस्त सृष्टि ईश्वर का वचन से बनाया हुआ है। आइए हम खड़े होकर थोड़ा स्तुति कीजिए, अभी यह सब मन में रखते हुए थोड़ा स्तुति कीजिए। अभी हमारा समय, हाँ अभी हम ये प्रभु का आराधना करने वाला है, तो उसका पहले थोड़ा सा स्तुति गान करें, स्तुति कीजिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सब मिलकर स्तुति कीजिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, येशु की स्तुति हो, येशु को धन्यवाद, येशु की स्तुति हो, येशु को धन्यवाद,
यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बैठिए बैठिए। तो कृपा मतलब क्या होता है? ईश्वरीय जीवन इंसान पर मिलन होता है, इसको कृपा बोलता है। और वो बहुत, वो कृपा में बहुत सारे और हम सीखना है, क्योंकि ईश्वर का जीवन हमारे जीवन पर मिलन होने पवित्र आत्मा द्वारा होता है, ईश्वर का वचन द्वारा होता है, पवित्र वरम प्रसाद द्वारा होता है, ईश्वर का प्रेम द्वारा होता है, किसीम किसीम के द्वारा होता है। वो हम आने वाले दिनों पर पढ़ेंगे, लेकिन खास करके यह याद रखो, हमारे अवस्था कितना बुराई भी होगा तो भी प्रभु हमें इतना प्यार करता है। अभी सोचो कि आप एक व्यक्ति हैं, आप ईश्वर का हाथ में हैं, है ना? आप ईश्वर का हाथ में हैं, है ना? अभी आप अच्छी तरह खड़े हैं, लेकिन ऐसा समय होता है कि आप बीमार हो गया, नहीं तो पापमय अवस्था में गिर पड़ा, तो क्या होगा? आप गिर गया। अभी आप कहाँ हैं? अभी आप कहाँ हैं? अभी भी आप ईश्वर का हाथ में हैं। समझ में आया? आप बीमार हो गया, नहीं तो आप कुछ पाप किया, आप कमजोर हो गया, आप गिर पड़ा। आप गिर पड़ा तो भी कब, आप कहाँ हैं? ईश्वर का हाथ में है। अभी ईश्वर क्या करेगा? अरे बेटा बेटी, मुझे मालूम था तुम कमजोर है, कोई बात नहीं, मैं तुमको कृपा देगा, मैं तुमको और कृपा देगा, ताकि तुम्हारा कमजोरी पर तुमको ताकत होगा। उठो 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 उठो, हालेलुया। सिर्फ इतना समझने से रोज हमारा जीवन पर नया ताकत मिलेगा, क्योंकि रोज हम गिर जाता है, है कि नहीं? रोज हम गिर जाता है। हमें सोचना चाहिए, हम खड़ा होगा तो भी प्रभु का हाथ में है, हम गिरेगा तो भी प्रभु का हाथ में है, प्रभु हमें संभालता है। वही कृपा है, ईश्वर का जीवन हमें संभालता है, ईश्वर का जीवन हमारा जीवन पर देखकर हमें संचालन करता है। आइए, कहाँ गया कोई? और एक बार स्तुति करें। हालेलुया, आप लोग स्तुति करते रहिए। मैं जरा अच्छा, तो एक काम करना, अभी प्रभु को यहाँ पर आराधना करने के लिए लेके आएंगे, तब तक आप थोड़ा शांति से बैठकर आप जो कुछ भी अभी सुना है उनको थोड़ा मन में क्या बोलेगा, मन में मनन करना, मनन करना।